पंछी नगर अजमेर के वार्ड 58 के पार्षद प्रकाश मेहरा के सहयोगी से भाजपा के युवा कार्यकर्ता व प्रसिद्ध समाज सेवी लालूटन साहू द्वारा पंछी नगर के CSM मॉल व गणेश गुवाड़ी में आयुर्वेदिक काढ़ा वितरण किया गया। डॉक्टर संत प्रसाद के मार्गदर्शन में आयुर्वेदिक काढ़ा तैयार किया गया। लगभग 1800 लोगों ने काढ़े का लाभ लिया। काढ़ा वितरण में मुनेश भार्गव, संदीप माथुर, गौरव भिवाणी, ब्रजेश माथुर, मुकेश आहूजा, सुनील मेहरा, दातार सिंह राठौर, अनिल मेहरा आदि ने अपनी सेवाएं दी। आज वार्ड के अंदर 2 पॉइंट बनाए काढ़ा वितरण के लिए, एक गणेश गवाड़ी और एक CSM मॉल। कार्यकर्ताओं का सहयोग रहा है पूरा, और इसमें एक हमने 2 पॉइंट बनाने का सिर्फ कारण ये है कि गणेश गवाड़ी के अंदर जो क्षेत्र है वो अधिकतर यहाँ दूर तक आता नहीं है, इसलिए हमने गणेश गवाड़ी का क्षेत्र भी चुना गया ताकि वहाँ पे आसपास के जो भी बंधुवर हैं उनको ये गाढ़ा का जो मतलब फायदा पहुंचे, इसलिए हमने वहाँ पे भी पॉइंट बनाया और एक CSM मॉल के यहाँ भी पॉइंट बनाया। और पूरा मतलब ये कोशिश रही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसे पिलाया जाए, और सुबह से हम लोग लगे हुए हैं कि कैसे भी कर दिए अभी कम से कम भी घंटे भर और इस प्रोग्राम को रखेंगे। 11:30-12 बजे तक इसको वाइंड अप करेंगे, जब तक उम्मीद है 2 से 2500 आदमी लगभग निपटने चाहिए। अब उसके हिसाब से हमने पूरी सामग्री करके सुबह से लगे हुए थे और इसे वितरण करने का कार्यक्रम रखा है। इसके पीछे धैर्य एक इतना ही सही, जो वर्तमान में कोरोना महामारी चल रही है उससे कैसे रोग प्रति क्षमता मिले और आदमी इतना अंदर से मजबूत हो जाए मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, ताकि वो बीमारी उसे आए तो टच करके निकले, किसी तरह का नुकसान नहीं कर पाए। ये सभी के एक धारणा है, इसी हिसाब से हमने एक प्रोग्राम रखा है। पूर्व में भी हमारे वार्ड में ऐसे प्रोग्राम होते रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि ऐसे होते रहे ताकि हमारे वार्डवासी इस कोरोना महामारी से सुरक्षित रहें, तो किसी भी प्रकार की कोई भी हमारे यहाँ पे किसी को भी जनहानि ना हो सके। आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि वार्ड 58 जो कि पंचशील में CSM के पास स्थित है, वहाँ पर समाज के लोग और जो कॉलोनी के लोग हैं उनके सामूहिक प्रयास से एक आयुर्वेदिक काढ़ा वितरण का आयोजन रखा गया है। इसमें मुख्यतः 2 स्थान पर चिन्हित किए गए हैं। CSM मॉल के पास में एक स्थान ये आवंटित किया गया है और दूसरा गणेश गवाड़ी के अंदर इसी तरह के काढ़े का आवंटन इसी संस्था के द्वारा किया जा रहा है। गणेश गवाड़ी में एक आयोजन इस तरह का इसलिए रखा गया है कि दूर पड़ता है, गर्मी का समय है, लोग ना आ पाएं, तो अधिक से अधिक इस काढ़े का लाभ जहाँ तक पहुँच सके इसलिए गणेश गवाड़ी के अंदर भी इसका आयोजन रखा गया है। इस काढ़े को पिलाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि वर्तमान में जिस समस्या से पूरा विश्व गुजर रहा है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता इससे अच्छी होती है। पूर्णतः आयुर्वेदिक तरीके से इसको बनाया गया है, आयुर्वेदिक डॉक्टरों की देखरेख के अंदर उनसे पूछ के अच्छी तरह से उचित सामग्री का इस्तेमाल करके एक अच्छी तरह से आयुर्वेदिक काढ़े का इसके अंदर वितरण किया जा रहा है। और इस कार्य के अंदर विशेष योगदान जो रहा है हमारे पार्षद प्रकाश मेहरा साहब, अर्चन साहू जी, ब्रजेश माथुर जी, गौरव निखिल, इनकी पूरी टीम का एक विशेष सहयोग इसके अंदर आया है। समस्त क्षेत्रवासी इसका लाभ ले रहे हैं और अभी तक लगभग 2000 की मात्रा के अंदर इस काढ़े का वितरण हमारे द्वारा किया जा चुका है और अभी समय बाकी है। धीरे धीरे लोग जैसे सुविधा हो रही है, समय हो रही है, इस रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काढ़े का सेवन करने या निरंतर आ रहे हैं।